हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। इसके बिना पूरी नहीं आपकी तैयारी, टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड जी मेन्स 2024, क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 10th एंड 12th, फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें लहरिया सराय दरभंगा। जेवर मतलब रूप अलंकार ज्वेलर्स, सोना, चांदी और हीरे के गहने, बाकरगंज लहरिया सराय, वर्षों से आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान। प्रकाश टेक्सटाइल्स, पूर्ण पारिवारिक प्रतिष्ठान, सैदनगर लहरिया सराय, साड़ी, लहंगा चुन्नी, सूटिंग, शर्टिंग एवं सभी प्रकार के आधुनिक वस्त्रों का संगम। 15 दिसंबर तक विशेष उपहार योजना का लाभ उठाएं। कैरेट लेन ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में, आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3,000 रुपए के शुरुआती रेंज से। पटना में बालू माफिया के बीच सैकड़ों राउंड फायरिंग, कई मशीनों को किया आग के हवाले। इस वक्त की यह बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां बालू माफियाओं का तांडव दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक पटना के बेहटा में अवैध बालू खनन के वर्चस्व को लेकर बालू माफिया के बीच सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई है। इस दौरान 8 पोकलेन मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त पटना से सामने आ रही है, बालू माफिया यहां तांडव कर रहे हैं। जानकारी को जो मिली है उसके मुताबिक पटना के बिहटा में अवैध बालू खनन के वर्चस्व को लेकर बालू माफियाओं के बीच सैकड़ों राउंड फायरिंग की खबर है। 8 पोकलेन मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आग भीतर ही भीतर कई दिनों से सुलग रही थी और आज उसने विस्फोट का रूप ले लिया। बालू माफियाओं के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर सैकड़ों राउंड फायरिंग की खबर है। कई मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े हुए इस फायरिंग से प्रशासन भी सकते में है, हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पर बड़ा खुलासा होगा।